हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है वो एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है और उसी के लिए मैंने रीडिंग बनाई है। एक्चुअली वो व्यूअर जो है वो म्यूचुअल फंड में बहुत इन्वेस्ट करते हैं और उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है कि क्या मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ। तो इसीलिए मैंने ये रीडिंग बनाई है, एक जनरल रीडिंग है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए फायदा रहेगा या नुकसान, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9899000366 पे। और ये है एक जनरल रीडिंग, तो आप इससे रेजोनेट, आपको जितना होता है आप उतना लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। एक रेड कलर का बॉक्स है, उस पर सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको एक बेल का ऑप्शन आएगा, उसके नेक्स्ट ऑल लिखा होगा, उस पर जरूर क्लिक करना, तभी आपको मेरी सारी वीडियोस मिलेंगी जो ये मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और हम क्या करेंगे कि मैं आज कुछ अलग आपको ऑप्शन दूंगी। तो क्या ऑप्शन दूं, मेरे पे कोई पहले से स्पेसिफिक नहीं है, पर चलिए सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं। चलो पता चल गया। तो एक रुद्राक्ष है और एक ही कॉइन है मेरे पास, क्योंकि ये सब एनर्जीज हैं, दीज आर ऑल एनर्जी। सो आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, आप ये कॉइन सिलेक्ट कर लो, आप रुद्राक्ष सिलेक्ट कर लो, और फिर हम शुरू करेंगे ये रीडिंग। ध्यान रखिएगा, सवाल ये है कि क्या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। परफेक्ट। तो अब हम शुरू करेंगे जिन लोगों ने कॉइन सिलेक्ट किया है, पहले उनसे हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे रुद्राक्ष से। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। फॉर ऑल दोज व्यूअर्स हु हैव सिलेक्टेड द कॉइन, लेट्स फाइंड आउट इफ यू शुड इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स। लेट्स फाइंड आउट इफ यू शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। ओ माई गॉड, वाई दिस कार्ड जस्ट जम्प्ड आउट, आई विल कीप इट बैक बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी कार्ड टू यू जम्प आउट एंड देन आई विल सिलेक्ट देम। नो, आई डोंट वॉन्ट दैट। आई वॉन्ट टू सिलेक्ट द परफेक्ट कार्ड विच कम्स आउट इन अ वेरी डिसेंट मैनर, राइट? मास्टर ऑफ मास्टर एम एस, प्लीज टेल मी, प्लीज गिव मी द कार्ड एंड टेल मी इफ ऑल दोज व्यूअर्स हैव सिलेक्टेड द कॉइन शुड इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड। Should invest in the mutual fund. Give me a card, please. Lover's card. Well, it's a good card. Let's see, let's see. Let's pull out two more cards. That's it. I just need two more cards. One, okay, and two. Wow. So there is a card of good news here, and also there is a card of lover's card there. But you know what? Because we have this card in between. This is the card of misunderstanding. This is the card of deception. This is a card which means that it's a kind of illusion. Some misunderstanding will happen. So I mean something which आप जिसको, sorry मैं English में बोले जा रही हूँ, sorry मैं तो हिंदी में वीडियो बना रही हूँ, एकदम से English English, okay sorry। तो मैं ये कह रही हूँ कि जिन लोगों ने ये म्यूचुअल फंड के में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको देखिए ये वो आ गए एकदम म्यूचुअल फंड की मार्केट में आ गए, भाई हमें तो इन्वेस्ट करना है, तीर चल रहे, नहीं जी हमें इन्वेस्ट करना है, हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, हमें ये गुड न्यूज चाहिए, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि अचानक से पता चले कि म्यूचुअल फंड में जहां इन्वेस्ट किया है बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। आप ये सोच रहे हैं, ये आप चाहते हैं, और आप एकदम बोल्ड होके एकदम आगे आ गए कि चलो तीर चलाओ और म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो कार्ड हमें आया है इसका मतलब ये है कि आप जो सोच रहे हैं वैसा है नहीं, जो आप सोच रहे हैं वैसा है नहीं। तो ये इस कार्ड का मतलब है मिसअंडरस्टैंडिंग हो करके अपना ही खुद का नुकसान हो जाना। तो ये एक इल्यूजन का कार्ड है, मून का कार्ड है, और इससे आपको बचना होगा, ठीक है। तो आप नहीं करिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट प्लीज, जितना ही पॉजिटिव क्यों ना लग रहा हो, जितना ही ओवर एक्सपेक्टेड आपको लग रहा हो कि नहीं नहीं 100% इसका बेनिफिट होगा म्यूचुअल फंड में, नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव कार्ड हमें आ गया है, जिसका मतलब है जो आप सोच रहे हैं, जो आप उम्मीद कर रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग जिन्होंने कॉइन सिलेक्ट किया है मत करिएगा प्लीज इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में। अब मैं बात करूंगी उन सबकी जिन्होंने किया है ये प्यारा सा रुद्राक्ष सिलेक्ट। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या होता है। लॉस्ट ऑफ नॉस्ट लेवल, प्लीज गिव मी थ्री कार्ड्स फॉर ऑल दोस हु हैव सिलेक्टेड द रुद्राक्ष। प्लीज टेल मी इफ दे शुड इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड। ओके, टू कार्ड्स आर कमिंग इन। सो इट्स योर पैशन एंड यू आर जस्ट थिंकिंग आई शुड इन्वेस्ट, आई शुड इन्वेस्ट। लेट्स सी, वन फाइनल कार्ड, टेम्परेंस कार्ड। ओके, सो खजाने की चाबी है आपके पास। खजाने की चाबी है, हीरोफेंट है आप इस समय, जजमेंट कर रहे हैं कि क्या करना है। ये पैशन है मेरा, मैं दूर नहीं रह सकता। मैडम आप कह रही हैं मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट का करने का क्या है, मैं तो करूंगा इन्वेस्ट, मेरे को तो बहुत
पैशन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, आई कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम इट, दिस इज हाउ आई मेक मनी यू नो. सो आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक व्हाई यू आर जजिंग, व्हाट 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 डू यू थिंक, जजमेंट क्या है आपका, जल्दी बताओ मैम, प्लीज बताओ. तो जजमेंट ये है सर कि आप इन्वेस्ट करिए क्योंकि आपके पास है खजाने की चाबी. यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, हीरोफेंट का कार्ड है. आपको खुद मालूम है कि आप इस फील्ड में अच्छा करेंगे और कर रहे हैं, तो आप जाइए आप करिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं. ठीक है, बस यही रीडिंग है, हो गई, मेरे को जल्दी आंसर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है. और हाँ एक बात और, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए बिजनेस में, क्या आगे बढ़ना चाहिए कैसे, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और मेरा नंबर है 9899000366. ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, मुझे मैसेज करिए. आप अगर जानना चाहते हैं आपका बिजनेस कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आपको करने चाहिए बिजनेस में, क्या नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, सही है नहीं है, ये चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, आई एम रियली हैप्पी दैट दिस वीडियो इज अगेन ओनली फॉर 6 मिनट्स. आई एम रियली लुकिंग फॉर शॉर्टर वीडियोज बिकॉज मैं चाहती हूँ आपका इंटरेस्ट बना रहे, हमें जल्दी आंसर मिल जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है. नॉस्ट्रोडेमस की वजह से वो हमें क्विक आंसर्स देते हैं, तो ऑल थैंक्स टू नॉस्ट्रोडेमस सर, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट दी आंसर्स. एंड जो मैंने बताया आप प्लीज उसे फॉलो करिए, एक जनरल रीडिंग है, अगर आपको स्पेसिफिक आंसर चाहिए तो आप रीडिंग एक बुक कर सकते हैं मेरे साथ. आप मेरा नंबर आपको मैंने बता दिया है 9899000366. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक्स अ लॉट. आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिलते हैं, इतना सपोर्ट आप लोग मुझे कर रहे हैं, आई एम रियली ओब्लाइज्ड, रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, शुक्रिया.